शहरी कायद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सरकारी गाड़ी चोरी और छीनने की वारदातों में मुलव्वस 6 रुकनी ग्रोह गिरफ्तार। मुलजमान से 2 कलाशनकोव, 3 पिस्तौल, 3 गाड़ियां, मुतअद्दिद जाली नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। ये करते क्या थे कि सरकारी गाड़ियों को छीन के उनको चोरी करके उनको कैश स्नैचिंग के लिए भी यूज़ करते थे और उनको फिर बाद में ट्रांसपोर्ट या बेच देते थे। इनका कहना ये था कि उनका चेसिस और इंजन नंबर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता, एक्साइज के पास भी उनका डेटा नहीं होता और SELC या ABLC जो भी है उनकी भी ये चीज़ें उनमें रिकॉर्ड में नहीं आती, तो हम उसको आसानी से यूज़ करते थे। उनमें हम सक्सेसफुली जो अभी 2-3 दिन पहले गाड़ियाँ चोरी और छीनी गई हैं गवर्नमेंट की, वो हमने रिकवर करवा ली हैं। उसमें एक कल्टस कार है GS नंबर प्लेट की, जो सचल टाउन से चोरी हुई थी, और उसके अलावा जो एक्स एडवाइज़र हैं CM के हाजी यूसुफ मस्तोई साहब, उनकी जो टोयोटा करोला गाड़ी है वो भी बरामद हुई है। मुलजिमान के कब्जे से 2 कलाशनकोव, 3 पिस्तौल, 3 गाड़ियां, मुतअद्दिद जाली नंबर प्लेट्स और गाड़ियों के सिग्नल रोकने वाला ट्रैकर भी बरामद हुआ। SSP ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिमान डिफेंस क्लिफ्टन बहादुराबाद में डकैती में भी मुलव्वस रहे। मुलजिमान बैंक से नकदी लेकर निकलने वालों से भी लूटमार करते थे, वारदात करके ये डिस्पोज ऑफ करते थे बलूचिस्तान में, वहाँ पर बेच देते थे। वहाँ पर इनके सारे जो नेटवर्क्स हैं वो भी हमने डिग आउट किए, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, क्योंकि ये दोनों प्रोविंसेस डिफरेंट हो जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है। हमने उसकी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इसको जल्दी करके हम दूसरों को पास करें। देखें, 6 अफराद हैं, 6 के 6 अफराद उसमें हो गया था। आपने एक रिसेंटली इंसिडेंट भी सुना था कि इन्होंने एक गाड़ी डंप की हुई थी बदीन में, तो इनकी प्लांटेशन पर हम उसको ही लेके आ रहे थे, तो बदकिस्मती से गजू जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है उसके करीब ये हादसा हुआ था जिसमें हमारी गाड़ी उलट गई थी। हमारे एक सिपाही वो क्रिटिकली है अभी, वो जो है ना आगा खान में एडमिट है, 2 और भी जख्मी हुए थे और इनका जो एक साथी है वो भी इसमें हलाक हुआ था। उन्होंने बताया कि ग्रोह को ACLC ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। मुलजिमान की निशानदही पर सच्चल से छीनी गई एक गाड़ी भी बरामद हुई थी। देखिए, लाड़काना में सरकारी गाड़ी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो एक एक्टिव गैंग था जो पंजाब से रिलेटेड था, पंजाब और KPK का था। ये जो गैंग है ये शिकारपुर से ज़्यादा है और ये नोटोरियस हैं। ये न सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध में भी वारदातें अपनी करती रहे। इनके जो जाने के रूट हैं वो ज़्यादातर हब और इंटीरियर सिंध से थ्रू ठट्टा और सजावल ये यूज़ करते हैं, जो उन्होंने हमें बताया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कोई परमानेंट चेकिंग का सिस्टम मौसर किया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और AVLC की तरफ से कोई पिकेटिंग हो ताकि चीज़ों को चेक किया जा सके। देखें, मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो चेक पोस्ट होती हैं उसमें हम चाहते हैं कि एक टेक्निकल स्टाफ मौजूद हो और कम से कम एक अच्छे सबॉर्डिनेट की उसमें हो ताकि कोई दूसरी शिकायत नहीं हो, क्योंकि ये मिसयूज़ भी होती रही है, इनकी शिकायत भी आती रही है। तो सिस्टम वो डेवलप किया जाए जो एक अफादियत के साथ हो और जो डिलीवर करे। हम उसी के सिलसिले में हमने लैपटॉप से और CRO डेटा सारे डेटा के साथ उनको इक्विप करके वहाँ पर करेंगे ताकि वो एजुकेटेड भी हों, लोगों से बिहेव भी सही करें और एक डिलीवर भी कर सके।